गुजरात में आईएसआई के संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद मचे घमासान के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में उनका नाम घसीटे जाने की कोशिशों की निष्पक्ष जांच कराई जाने की मांग की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में पटेल ने कहा है कि बीजेपी इस मामले में उनका नाम घसीटकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने खत में लिखा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले पर संज्ञान लें और भारत का गृह मंत्री होने के नाते संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से इस जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का निर्देश दें। जो भी दोषी हो उसे उसके धर्म या उसकी किसी संबद्धता पर ध्यान दिए बिना सजा देनी चाहिए। इस मामले में आपकी सरकार को मेरा पूर्ण समर्थन है। उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा, ये आतंकवाद के खिलाफ चल रही हमारी लड़ाई के साथ बड़ा अन्याय होगा, इसलिए मुझे ये काफी चिंताजनक लगता है कि गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी चुनावों के मद्देनजर बेबुनियादी और अप्रमाणित आरोप लगाकर एक गंभीर जांच को नुकसान पहुंचा रही है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो सभी को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल सूरत से इस्लामिक स्टेट के दो संदिग्ध सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए राजनीतिक घमासान के केंद्र में हैं। इनमें से एक संदिग्ध कासिम टिम्बरवाला भरूच जिले में सरदार पटेल अस्पताल में काम करता था, जहां पटेल एक ट्रस्टी थे। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।